मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर देश के हर कोने में सरकार की उपलब्धि पर की जा रही पत्रकार वार्ता के तहत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पत्रकारों से वर्चुअल रूबरू होते हुए केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद भारत अर्थव्यवस्था बाकी देशों से ठीक है। इस मौके पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, भाजपा संसदीय प्रभारी अजय राणा, जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी सहित भाजपा के जिला तमाम नेतागण मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कोरोना महामारी के दौरान नहीं आने पर जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली रेड जोन में आता है और केस बढ़ रहे हैं, इसलिए हिमाचल से कोरोना बीमारी के दौरान आना नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे कारण हिमाचल में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए निर्णय लिया गया कि हिमाचल नहीं आए हैं। जाकर ही देता, लेकिन जैसे आप सबको ज्ञात है कि दिल्ली रेड जोन में आता है, दिन प्रतिदिन केसेस यहाँ पर बहुत बढ़ रहे हैं और पब्लिक लाइफ में जुड़े होने के कारण बहुत सारे लोगों से प्रतिदिन मिलना भी होता है, मीटिंग्स में जाना पड़ता है। मेरे कारण मेरे अपने राज्य में कोई दिक्कत ना आए या मेरे साथ आने वाले लोगों के कारण ना आए, इसलिए वो भी निर्णय किया गया कि दोनों ही कार्यक्रमों में मैं नहीं आ पाया, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। हमीरपुर में ऑनलाइन पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे हिमाचल का विकास करवाना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके लिए काम किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेल लाइन पर जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और जल्द इस पर काम होगा। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल का विकास कैसे हो, इसके लिए काम किया जाए। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के लिए रेल विस्तार के लिए राज्य सरकार से दोबारा बात की जाएगी कि वह कितना खर्च वहन कर सकेगी ताकि जनता को जल्द रेल सुविधा का लाभ दिया जा सके। इसका काम चल रहा है, इस पे जमीन अधिग्रहण भी बिलासपुर तक करने के लिए पूरा वो तय हो गया, आइडेंटिफाई लैंड हो गई, ट्रैक कहां से निकलेगा, वो सब बिल्कुल समय पर चल। मेरा कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, मेरा हिमाचल को, पूरे हिमाचल का विकास ही मेरा ड्रीम है। मैं ना कभी एक जिला को देखता हूँ, एक रेलवे प्रोजेक्ट को या एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देखता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास कैसे हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हम हिमाचल को दिला सकें। उस सब में यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पीजीआई अस्पताल, एम्स अस्पताल, ट्रिपल आईटी, ये सब भी आते हैं, तो साथ में ही ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन भी आती और ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन का हम लोगों ने सर्वे करवा लिया था। लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसके ऊपर खर्च होगा। राज्य सरकार कितना उसका खर्चा वहन कर सकती है, केंद्र ने पूछा है। पहली बारी में राज्य की सरकार ने लिखकर दिया था कि वो कोई खर्चा वहन नहीं कर पाएंगी क्योंकि उसकी आर्थिक हालत उतनी मजबूत नहीं है। हम एक बार फिर राज्य की सरकार से कहेंगे कितना परसेंट राज्य की सरकार वहन कर सकती है। आखिरकार एक बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा ना केवल ऊना हमीरपुर बल्कि बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और कई और जिलों को इससे लाभ मिलता है, उसके हो सकता, इसलिए इसको एक बार फिर प्रदेश सरकार के साथ उठाया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदेश की सरकार जहां और बड़े आधारभूत ढांचों के लिए पैसा निकालेगी तो इसके लिए भी पैसा जरूर देगी। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अर्थव्यवस्था की जंग भारत को जीतनी है और दुनिया की अर्थव्यवस्था की मंदी नजर आ रही है और तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा, उसके साथ ही अर्थव्यवस्था की जंग भी जीतकर दुनिया की 3 अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि भारत में आयात में कमी आएगी और आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा होगा। हम देख रहे थे कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो वैश्विक मंदी उन निरंतर नजर आ रही, उसके चलते भी भारत ने कई ऐसे कदम उठाए कि फिर भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत। और आज भी ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज और रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, ये उसी दिशा में कदम है कि कोरोना से जंग तो हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, लेकिन उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था वाली जंग भी हमें जीतनी है और दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा करना है।
इसलिए रिफॉर्म्स और आत्मनिर्भर पैकेज को लाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से भारत में जागरूकता बढ़ी है, आयात में कमी आएगी, भारत में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना हम सब इकट्ठे मिलकर